हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाईडी टेक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक ब्राउज़र के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे वेब ब्राउज़र अवेलेबल है, लेकिन इस वेब ब्राउज़र में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे यूनिक बनाती है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये ब्राउज़र कौन सा है, इसे कहाँ से डाउनलोड करना है और इसे कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र के बारे में जान लेते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपके सामने सिंपल सा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि इसके अंदर आपको कौन सा सर्च इंजिन रखना है। यहाँ पर मैं गूगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस वेब ब्राउज़र के बारे में बताया जाता है और आप चाहे तो इस वेब ब्राउज़र को अपने मोबाइल के अंदर एज ए डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे वेब ब्राउज़र के अंदर सर्च करते हैं तो वहाँ पर सर्च करने के बाद वहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट्स आ जाते हैं। उन्हें देखने के लिए हम उस पर क्लिक करते हैं और अगर आपको ये रिजल्ट पसंद नहीं आता तो आप उसे बैक करते हैं और वापस अगले रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, वापस आप उसे ओपन करते हैं। इसी तरह हम हर रिजल्ट के लिए ओपन और बैक करते हैं, लेकिन इस वेब ब्राउज़र के अंदर ऐसा नहीं है। इस वेब ब्राउज़र के अंदर हम जो भी सर्च करते हैं वो सभी रिजल्ट एक जगह पे आ जाते हैं और वही रिजल्ट हमें इस वेब ब्राउज़र के अंदर अलग अलग टैब्स के अंदर दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पर सिंपल स्वाइप करना है और आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर स्वाइप कर आप मल्टीपल रिजल्ट्स को देख सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक को ओपन करने की और बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल स्वाइप कर आप अलग अलग पेज को यहाँ पर देख सकते हैं। यही फीचर इस वेब ब्राउज़र को बहुत ही यूनिक बनाता है। यहाँ पर क्लिक कर आप करंट वेब पेज को सेव कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे चाहे तो बाद में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग सर्च के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसी तरह आप अगर इमेजेस और न्यूज़ सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और ये लास्ट का जो ऑप्शन है ये बहुत ही कमाल का है। अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर अलग अलग शॉपिंग की वेबसाइट्स टैब्स के फॉर्मेट में ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप सिंपल स्वाइप कर आप जो भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग प्राइस का अंदाज़ा भी आ जाता है और आसानी से आप उस प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। यही सब यूनिक फीचर्स हमें इस वेब ब्राउज़र के अंदर मिल जाते हैं। इस ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और आपको यहाँ पर सर्च करना होगा केक ब्राउज़र। आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इसे डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। थैंक्स।